नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप सभी से मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही सादा सिंपल भाषा में, बहुत ही जल्दी क्विकली यूपी पॉलिटेक्निक 2020 रिजल्ट के बारे में, तो आप किस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। तो वीडियो विद इन 2 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगी, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दो तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गूगल खोलोगे सबसे पहले, गूगल खोलने के बाद आपको GCAP डालना है, GCAP.NIC.IN ये पहली वाली वेबसाइट है। इस पर आप जाओगे वेबसाइट पर, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये लिंक पढ़ोगे। दिनांक 12/9/2020 को संपन्न हुई ऑफलाइन ग्रुप ए से लेकर ई तक की परीक्षा एवं दिनांक 15/9/2020 को संपन्न हुई ऑनलाइन परीक्षा ग्रुप बी सी डी एफ जी एच आई एवं K1 से लेकर K8 तक परीक्षा के परीक्षा फल दिनांक 28/9/2020 अपराह्न को घोषित किया जाएगा। तत्पश्चात 30/9/2020 से प्रस्तावित ऑनलाइन सीट आवंटन काउंसलिंग का विस्तृत जानकारी शीघ्र घोषित किया जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, रिजल्ट आया है 3 बजे, अभी 3:10 हो रही हैं, आप देख सकते हो कॉर्नर में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो ये देखिए रिजल्ट 2020 ग्रुप ए, थोड़ा और नीचे जाओगे रिजल्ट 2020 ग्रुप बी से लेकर के तक, और ग्रुप रिजल्ट 2020 E1 E2 फार्मेसी। तो ग्रुप ए का ज़्यादातर लोग भरते हैं, तो इस पर क्लिक करोगे तो इसको ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद आप डालोगे डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में भरी थी, डेट मंथ और ईयर, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो आप नीचे देख पा रहे हो 84 वाली वो डालोगे और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने आपका रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिजल्ट देख लीजिए फटाफट फटाफट, और मुझे भी अपने अपने नंबर बताते जाइए कमेंट में अगर रिजल्ट देख रहे हो तो, कि 400 में से किसके कितने नंबर आए। तो फिलहाल 2 मिनट का समय पूरा हो चुका है हमारा और वीडियो को अंत करने का भी समय आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो फटाफट। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।